वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आई होप सब लोग सेफ हो, सेफ रह के अच्छे से आप लोग डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हो एंड स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों की। सो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एनाटॉमी स्टार्ट कर दिया था, आज हम एनाटॉमी को फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा दैट विल बी द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी बुक की यही बोलती है, ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्क्यूलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस और वेस्क्यूलर बंडल के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी टिश्यू होंगे, वो सभी के सभी ग्राउंड टिश्यू के अंदर इंक्लूडेड होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होंगे वो यूजुअली कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, पेरिसाइकिल के अंदर होंगे, पिथ के अंदर होंगे, मेडुलरी रेज के अंदर होंगे। ओके, सो अब अगर हम आगे बात करते हैं द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। थर्ड वी हैव वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ जाएंगे एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेसिकली यहाँ पे आप जाइलम और फ्लोएम की बात करने वाले हो। इन डाइकोटिलेडंस स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। क्या होता है कि डायकॉट स्टेम्स जो होती हैं उनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप कैम्बियम बोलते हो। क्या बोलते हो? कैम्बियम। और ये कैम्बियम प्रेजेंट होती है इन वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पजेसेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। कैम्बियम की वजह से डायकॉट की स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बन पाता है। इसीलिए जब भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो आप उसे क्या नाम देते हो? आप उसे नाम देते हो ओपन वेस्क्यूलर सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया? ओपन वेस्क्यूलर सिस्टम। वहीं आप अगर मोनोकॉट्स की बात करते हो तो मोनोकॉट्स के अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स में ना ही कैम्बियम प्रेजेंट होगी, ठीक है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, द इन मोनोकॉटिलेडंस द वेस्क्यूलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म अ सेकेंडरी टिश्यूज दे आर रेफर्ड टू बी क्लोज्ड। अब जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है मोनोकॉट्स के केस में, तो क्या होगा कि आप वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम को क्या नाम दोगे? क्लोज्ड, ठीक है? व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विदिन अ वेस्क्यूलर बंडल आर अरेंज इन अ अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल सच एज इन रूट्स, ठीक है? और कंजॉइंट टाइप में क्या होता है, इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलॉन्ग द सेम रेडियस ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स। कंजॉइंट सिस्टम के अंदर क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम जो होंगे सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है? द कंजॉइंट बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। और कंजॉइंट के अंदर क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है वो जनरली आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, ओके, नाउ अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हम रूट की एनाटॉमी ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? ट्रांसवर्स सेक्शन ही क्यों हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन से आप इजीली चीजों को समझ सकते हो, ठीक है? तो एनाटॉमी ऑफ डायकोटिलेडंस एंड मोनोकॉटिलेडंस प्लांट्स। सबसे पहले हम डायकॉट रूट की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायकॉट रूट की, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे आप बोलते हो यहाँ पे एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। सबसे पहली लेयर जो है, आउटर लेयर जो है, दैट इज एपिब्लेमा, और एपिब्लेमा से आपके यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स ग्रो करते हैं। ओके, फिर एपिब्लेमा के बाद आपके पास नेक्स्ट लेयर आती है कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है कि कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है वो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। और आपको पता है पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर लिटिल स्पेस, लिटिल इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, लिटिल इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। फिर जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसे आप नाम दे देते हो एंडोडर्मिस। जैसे कि देखिए आपने सबसे पहले देखा एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस, यहां पे आप लिख सकते हो एपिब्लेमा। ओके, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर से क्या चीज निकली, रूट हेयर। रूट हेयर कैसे है, यूनिसेल्यूलर। ओके, फिर एपिडर्मिस के बाद आपके पास नेक्स्ट लेयर आ जाती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं वो, कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है वो थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़े थोड़े इंटर सेल्यूलर स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं। ये क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। फिर कॉर्टेक्स के अंदर जब आप देखते हो, कॉर्टेक्स से थोड़ा नीचे आप इधर आ रहे हो, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसे आप नाम दे रहे हो एंडोडर्मिस। ठीक है, इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स विदाउट एनी इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। एंडोडर्मिस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। देखो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, नहीं, जबकि कॉर्टेक्स के अंदर आपको दिख रहे थे। ठीक है, उसके बाद द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। फिर जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स होती हैं यहाँ पे आपके पास एंडोडर्मिस में, यहाँ पे काफी बार क्या होता है कि एंडोडर्मल सेल्स के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंसेस का, या फिर आप बोल सकते हो किसी वैक्सी मटेरियल का, जिसे आप बोलते हो कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब एंडोडर्मिस के बाद वापस से कुछ लेयर बननी स्टार्ट होती है, कुछ सेल्स आते हैं जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, एंड उस लेयर को आप नाम दे देते हो पेरिसाइकिल। यहाँ पे पेरिसाइकिल भी किससे मिलके बनी हुई है, पैरेन्काइमेटस सेल्स से। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेरिसाइकिल से, जब पेरिसाइकिल से आपका लेटरल रूट्स का और सेकेंडरी जो आपकी ग्रोथ होती है वेस्क्यूलर कैम्बियम जो होता है उसका फॉर्मेशन इसी जगह से होता है, पेरिसाइकिल से। तो आप बोल सकते हो पेरिसाइकिल वो जगह है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ओके, अगर अब आप पिथ की बात करते हो तो पिथ यहाँ पे इनकॉन्सिपिशियस है। ठीक है, द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच आर लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं उन्हें आप नाम देते हो कंजक्टिव टिश्यूज। और यहाँ पे आपके जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये जो टिश्यूज हैं, कंजक्टिव टिश्यू हैं, जाइलम फ्लोएम जो हैं, ये 2 to 4 पैचेस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वेस्क्यूलर बंडल के बेसिस के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हो, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो डायकॉट रूट और मोनोकॉट रूट को। तो दीज आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वेस्क्यूलर बंडल, पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंडोडर्मिस के बाद आपने जितने भी लेयर्स पड़ी हैं वो सभी मिलके क्या बना देती हैं, स्टील। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, पेरिसाइकिल, वेस्क्यूलर बंडल एंड पिथ ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टील। ओके, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ए वाला, ये क्या है, दिस इज द डायकॉट रूट। ओके, नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं मोनोकॉटिलेडनस रूट की, आपने अभी डायकॉट रूट देख लिया, अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे मोनोकॉट रूट से। अब देखो मोनोकॉट रूट की बात हो रही है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग जो होती है, कैम्बियम जो होता है वो एब्सेंट होता है। तब क्या कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे आपका सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं होगी। ओके, एंड
और अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी की, मोनोकॉट रूट की, तो एनाटॉमी जो होती है मोनोकॉट रूट की, वो सिमिलर ही होती है डायकॉट रूट की तरह, लेकिन कुछ जगह होती हैं जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन अकर करता है, वो क्या है तो देखिए, एज कम्पेयर टू द डायकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल, दीज आर यूजली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। अभी अभी आपने देखा था डायकॉट रूट के अंदर जो जाइलम फ्लोएम पैचेस थे वो कितने थे, वो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट थे 2 to 4, जबकि यहाँ पे आपके पास मोनोकॉट रूट के अंदर कितने प्रेजेंट हैं, यूजुअली 6। पॉलीआर्च कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है यूजुअली 6 पैचेस प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट रूट के अंदर। पिथ, जहां पे आपने पढ़ा था डायकॉट रूट के अंदर आपने पढ़ा था पिथ ऑन इनकॉन्सिपिशियस थी, यहाँ पे मोनोकॉट के अंदर पिथ जो है वो लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो दो डिफरेंसिएशन आपने देख लिए यहाँ पे, एंड मोनोकॉटिक रूट्स डू नॉट अंडरगोस एनी सेकेंडरी ग्रोथ, व्हाई, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। ओके, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये मोनोकॉट रूट का, आप देख सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई डायकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी की। तो एक बार अगर हम क्विक रिकॉल करें चीजों को, तो आपने क्या देखा, आपने देखा डायकॉट रूट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा है जिससे रूट हेयर्स निकल रहे हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। देन आपके पास आ जाता है देन आपके पास कॉर्टेक्स आ जाता है, कॉर्टेक्स जो होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। उसके बाद आपने देखा एंडोडर्मिस सेल्स, एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर आपने देखा कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो 2 to 4 के पैचेस के अंदर प्रेजेंट है, एज वेल एज यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं, कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर आपने मोनोकॉट रूट में देखा कि एनाटॉमी सेम डायकॉट रूट जैसी है, बस कुछ जगह पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन अकर कर जाता है। नंबर वन, पिथ जो है वो मोनोकॉट्स के अंदर लार्ज है, वेल डेवलप्ड है, जबकि ऐसा डायकॉट रूट के अंदर नहीं है। फिर आपने देखा जाइलम और फ्लोएम के पैचेस जो हैं डायकॉट रूट के अंदर 2 to 4 हैं, जबकि मोनोकॉट रूट के अंदर पॉलियार्च कंडीशन है, ठीक है, 6 आप बोल सकते हो, मोर देन 6 हैं यहाँ पे। फिर आपने देखा कि डायकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है और मोनोकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। ओके गाइज, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको एनाटॉमी ऑफ डायकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट आज समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी तरीके से स्टेम और लीव्स को कंप्लीट करेंगे, एंड टिल देन आप लोग ध्यान रखिए, सेफ रहिए घर पे, घर पे रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेली बेसिस पे अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट लाइंस बताई जाती हैं उनको एक जगह एक नोटबुक के अंदर लिख के रखिए, ताकि एंड मोमेंट पे आप अच्छे से कंपाइल कर सकें चीज़ों को, अच्छे से रिवाइज कर सकें। एंड एनसीईआरटी बुक को आप हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही है जो हमारा बेस रेडी करती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।